कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का महासम्मेलन सरधारी उपखंड मुख्यालय स्थित खेतलाजी मंदिर प्रांगण में हुआ। इस मौके पर पूर्व राजस्थान के मंत्री ऊटाराम देवासी ने कहा कि जनता में बहुत आक्रोश है, किसानों को बिजली की समस्या का समाधान नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान सरकार नंबर एक पर है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य मिशन योजना, उज्ज्वला योजना, गोपालन विभाग सहित कई योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भूंगला गैस त्रासदी काल कवलित हुए मृतकों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी एवं जन आक्रोश महासम्मेलन विधानसभा सिवाना के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद एवं कांग्रेस की घोषणा पत्र पर किए गए वादे झूठे बताकर जनता के साथ छलावा किया एवं जनता से छलावा कर चुनाव जीतने की बात कही। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को एवं युवाओं को हमेशा दरकिनार किया है एवं उनके साथ धोखा किया है। भाजपा नेता भवानी सिंह तापरा ने अपनी मायड़ भाषा में संबोधित करते हुए जनता को केंद्र सरकार की योजना के बारे में एवं कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही। प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी जोगिंदर सिंह सुलोन ने अपनी ओजस्वी वाणी से सात वारों का नाम लेकर कांग्रेस के कुशासन में सरेआम बजरी माफियाओं द्वारा फायरिंग एवं हत्या एवं पुलिस कस्टडी में अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार की बात का जिक्र किया। किस संबंध में थी और क्या इनका उद्देश्य? आपने देखा होगा राजस्थान में 27 तारीख को इसका लॉन्चिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था। उसके बाद में पूरे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख और 4 तारीख से, उसी तरह पर हमारे शिवाड़ा विधानसभा में 4 तारीख से समुंदरी ललिसी माता के मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। जन जन तक, गांव तक, पंचायत हेडक्वार्टर से लगाकर सब जगह पहुंचे। जनता में जो आक्रोश बिजली पानी से लगाकर सारे पंचायत राज से लगाकर राजस्व विभाग से लगाकर जनता में 4 साल से जनता एक आज इस जन आक्रोश रैली की, आज जो पूरी विधानसभा की जन आक्रोश रैली के माध्यम से जन आक्रोश के रूप में माननीय अशोक गहलोत का पुतला जलाया गया और आज काला दिवस के रूप में हमने पहली जो शिकायतें आई थी उसके बारे में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी और मुख्य वक्ता के तौर पर आदरणीय उषाराम जी, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान, वो यहाँ पधारे थे। मैं धन्यवाद दूंगा चारे मंडलों को और जो हमारे जन आक्रोश यात्रा के जो प्रभारी थे आदरणीय वीर सिंह जी और समस्त जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे गाँव और ढाणी में ढोल बजा के साथ में इनका स्वागत के साथ में राजस्थान सरकार का जो कुप्रबंध, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ में बलात्कार, उसके रूप में जितनी भी शिकायतें मिली है वो हम प्रदेश कार्यालय में भेजते हुए अशोक गहलोत के रेजिडेंस पे पिटारा को भी फोड़ेंगे और इसके अलावा जो इसमें सुझाव है जनता का वो हमारे सिंधारी जिला बाड़मेर से भरत कुमार गर्ग की रिपोर्ट।